हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज, और इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है स्ट्रिंग। सो दिस इज लेक्चर नंबर 18। एंड पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 2D एरे और 3D एरे के बारे में बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया हो तो आप इस वीडियो को प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो स्ट्रिंग पढ़ने से पहले आपको 1D एरे, 2D एरे एंड 3D एरे और एटलीस्ट 1D एरे के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उसके थ्रू उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट लिंक के अंदर सारे वीडियोस एक के बाद एक अरेंज्ड है, तो उसको प्रॉपरली फॉलो भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्ट्रिंग बेसिकली कैसे काम करता है, और फिर जैसा कि आप देख सकते हो कि कुछ प्रोग्राम्स यहाँ लिखे हुए हैं वो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो हर वीडियो में हम थियोरेटिकल पार्ट कवर करते हैं, फिर उसको प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि चीज़ें प्रॉपरली समझ में आए। तो ऐसा मैंने हर वीडियो में करने की कोशिश की है, और एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड प्लेलिस्ट लाइक 1D एरे, 2D एरे, स्ट्रिंग या और भी जो टॉपिक्स हैं जिनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सिर्फ प्रोग्राम्स के वीडियोज उस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। तो वो प्लेलिस्ट भी मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जब आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दीज आर माय डिटेल्स। वीडियो देखने के बाद बहुत सारे डाउट्स मन में आ जाते हैं, या आप चाहते हैं कि मुझे तो पर्सनली 1-to-1 क्लासेस लेनी है ताकि मैं हाथों हाथ अपने डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, तो आप उसके लिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग। सो सबसे पहले समझेंगे कि स्ट्रिंग बेसिकली होती क्या है, थोड़ा सा थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली एरे और स्ट्रिंग का डिफरेंस बताऊंगा, और फिर हम प्रोग्राम्स की तरफ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप पढ़े ध्यान से, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है अ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। तो कैरेक्टर्स का यहाँ पर मतलब है कि आप अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल, ये तीनों चीजें मैंने अपने पहले वीडियो में बताई थी कि जब आपको सी पढ़ना है तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए कि हम अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, हम डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, और हम स्पेशल सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं, और तीनों ही कैरेक्टर्स होते हैं, और इन तीनों के कलेक्शन को एक साथ स्टोर करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग। देन इसमें बोला गया है कि टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर, सो नल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये यूज करना है, सिंगल कोट्स में \0, नल की जो ASCII वैल्यू होती है वो है 0, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को हमेशा डबल कोट्स में इनक्लोज करना है, तो अगर स्ट्रिंग को एज अ कॉन्स्टेंट यूज कर रहे हैं तो वो डबल कोट्स में इनक्लोज होगा, और हम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल भी बना सकते हैं, उसके लिए हम कैर को एज अ डेटा टाइप यूज करेंगे, तो वो अभी मैं आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा। देन लास्ट पॉइंट कहता है अ स्ट्रिंग कैन कंटेन अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स बिकॉज ऑल दीज एंटिटीज आर नोन एज कैरेक्टर्स, जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली आप जब भी स्ट्रिंग को यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है आप अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे इसलिए हम इसको स्टोर करने के लिए एरे नोटेशन को यूज करेंगे। तो अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको जो 1D एरे का डिक्लेरेशन है वैसा ही डिक्लेरेशन मिलेगा। तो मैंने 1D एरे में भी बताया था कि हम किसी भी टाइप का एरे बना सकते हैं, तो हम 1D एरे को ही एज स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग के केस में डेटा टाइप हमेशा कैर होगा, स्ट्रिंग का नेम कुछ भी हो सकता है और साइज भी कुछ भी हो सकता है। तो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, डेटा टाइप इज कैर, नेम इज str एंड साइज इज 10। अब नोट को ध्यान से पढ़ो, इफ साइज ऑफ स्ट्रिंग इज 10 देन इट कैन ओनली कंटेन 9 कैरेक्टर्स बिकॉज नल ऑल्सो ऑक्यूपाइज 1 byte। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिंग में नल के लिए भी 1 byte रिजर्व होता है, तो उसके साइज के अकॉर्डिंग आपको टोटल साइज स्ट्रिंग का प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेमोरी एलोकेशन है जो कि 1D एरे के सिमिलर है, टोटल 10 साइज है तो 10 ब्लॉक्स, हर ब्लॉक का एक इंडेक्स, तो जब भी आपको एक लोकेशन एक्सेस करनी है तो आप एरे के नेम के साथ उसका इंडेक्स यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इंडेक्सेस एक्सेस करना ऑलरेडी 1D एरे में आपको बता दिया है, तो हम जब प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे तब उसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें एरे के नेम के साथ एक पर्टिकुलर इंडेक्स को यूज करना है,
और रिपीटेशन के लिए हम जो लूप का वेरिएबल होता है आई उसको यूज कर लेते हैं ताकि हमें इंडेक्स बार बार ना लिखना पड़े। नीचे नोट लिखा है ईच कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 1 byte ऑफ मेमोरी सो अबव स्ट्रिंग ऑक्यूपाइज 10 bytes ऑफ मेमोरी। तो ये जो कैरेक्टर एरे हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है जिसको हम एज अ स्ट्रिंग यूज करेंगे, इसको जो टोटल मेमोरी एलोकेट होगी वो होगी 10 bytes। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एंड ये स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन है, तो आप इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने लिखा s1 of 5 तो उसमें 5 कैरेक्टर डाल दिए, इसमें नल नहीं है तो नल स्टोर नहीं करेंगे तो ये स्ट्रिंग नहीं बनेगा, तो आप इसको बोलेंगे कैरेक्टर एरे ओनली। अगर आपने abcd 4 कैरेक्टर और उसके बाद 5th पोजीशन पर नल को भी स्टोर किया तो ये बन जाता है स्ट्रिंग। और थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के अंदर हमने क्या किया है, हमने 4 कैरेक्टर्स को स्टोर किया और 5th पोजीशन पर नल अपने आप आ जाएगा क्योंकि अभी हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, डबल कोट्स। तो डबल कोट्स में जब आप कैरेक्टर्स पुट करेंगे तो नल अपने आप स्टोर हो जाता है, और अगर आप सिंगल कोट्स में एक एक कैरेक्टर पुट करेंगे तो नल आपको एक्सप्लिसिटली पुट करना पड़ेगा। तो जो सेकेंड और थर्ड नोटेशन है वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो फर्स्ट नोटेशन है वो है सिर्फ कैरेक्टर एरे। तो आपको हमेशा सेकेंड और थर्ड नोटेशन ही यूज करना है, और नीचे भी इनके बारे में लिखा हुआ है s1 इज एरे ऑफ कैरेक्टर बिकॉज नल इज मिसिंग, s2 इज स्ट्रिंग बिकॉज इट कंटेन्स नल एट द एंड, देन s3 इज यूजिंग डबल कोट्स एंड हियर नल इज इंसर्टेड ऑटोमेटिकली सो इट इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। तो आपको थर्ड और सेकेंड नोटेशन यूज करना है अगर आप स्ट्रिंग को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहते हो। नाउ रीडिंग ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को रीड करने के लिए आप scanf यूज करेंगे या फिर आप getters यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हमने 1D array यूज किया था तो 1D array में हमने लूप यूज किया था, 1D array में इंटीजर्स या floats को रीड करने के लिए हम लूप यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग के केस में आपको लूप यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा क्यों है ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये नल बेसिकली है क्या, इसको और डिटेल में बताओ। तो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, 2 slides और हैं, इनके बाद हम चलेंगे अपने कंपाइलर पर जहां पर मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूँ कि 1D array जो कि इंटीजर और फ्लोट टाइप के होते हैं, और स्ट्रिंग जो कि कैरेक्टर टाइप है, इनका डिफरेंस कि वहां लूप यूज करते थे रीडिंग और प्रिंटिंग के लिए, यहाँ लूप यूज नहीं करेंगे तो ऐसा क्यों। और दूसरा डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1D array में नल यूज नहीं करते थे जो कि इंट और फ्लोट को बिलोंग करता है, जबकि 1D array जो स्ट्रिंग को बिलोंग करता है वह नल यूज करता है। ठीक है, तो इन स्लाइड्स के बाद उस पर फोकस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको scanf यूज करना है तो आप %s एंड स्ट्रिंग का नेम यूज करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट रीड्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम कंसोल अंटिल यूजर प्रेसेस स्पेस और एंटर की। तो ये स्पेस और एंटर दोनों पे टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली इंसर्ट्स नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग के बाद नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है। सो ये पहला स्टेटमेंट था scanf, जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको स्पेसेस रीड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स डिजिट्स और स्पेशल सिंबल रीड करना है विदाउट एनी स्पेस, तो आप प्रेफर करेंगे scanf को। और अगर आपको स्पेसेस भी रीड कराना है इंक्लूडिंग स्पेस स्ट्रिंग को रीड करना है तो आप प्रेफर करेंगे getters। तो उसमें लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट रीड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम कंसोल अंटिल यूजर प्रेसेस ऑन द एंटर की। तो एंटर पे रीडिंग टर्मिनेट होगी, अदरवाइज नहीं। जबकि ऊपर हमने देखा था कि स्पेस प्रेस कर देंगे तो भी रीडिंग टर्मिनेट हो जाएगा, और एंटर की प्रेस करेंगे तो भी रीडिंग टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये अपन प्रैक्टिकली और देख लेंगे। देन दिस स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली इंसर्ट्स नल कैरेक्टर। तो नल दोनों के केस में अपने आप इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ %s लिखा हुआ है और यहाँ getters, तो ये दोनों ही स्ट्रिंग को बिलोंग करते हैं। तो आपको तो सिर्फ कैरेक्टर्स टाइप करना है, नल अपने आप स्टोर हो जाता है। अब बात करते हैं प्रिंटिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो printf %s के साथ यूज करो तो नल तक जितने भी कैरेक्टर हैं सब प्रिंट हो जाएंगे, या फिर आप puts यूज करो, या फिर आप ये एक लूप यूज कर सकते हैं जो कि %c के थ्रू एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। और लूप हमने कहां तक चलाया, जब तक कि अपना जो इंडेक्स है वो किस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता, नल पर। तो str of i मतलब इंडिविजुअल इंडेक्स ऑफ दैट स्ट्रिंग If its value is not equals to null, अब यहाँ null को single quotes में लिखना जरूरी है। तो अगर string का कोई भी index null contain नहीं करता है तब तो वो print हो जाएगा, null contain करता है तो loop वहीं पर stop हो जाएगा। ठीक है, तो ये था theoretical explanation। अब बात करते हैं कुछ practical चीजों की।
तो इसको तो इरेज कर देते हैं। स्ट्रिंग डेमो हेडर फाइल इंक्लूड की stdio.h। तो अब एक एक करके सारी चीजें यहां पर डिस्कस करते हैं। तो अगर मैंने एक इंटीजर एरे बनाया और एक मैंने बनाया कैरेक्टर एरे, ठीक है, तो इंटीजर एरे में तो हम लूप चलाते हैं रीडिंग के लिए, जबकि कैरेक्टर एरे में हम लूप नहीं चला रहे हैं। तो अब देखो प्रोसेस क्या है। जब आप इंटीजर रीड करेंगे तो आप इंटीजर रीडिंग कैसे करते हो? आप सबसे पहले पहला नंबर डालते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हो, फिर दूसरा नंबर डालते हो, फिर एंटर प्रेस करते हो, फिर जो भी आपके नंबर्स है वो एक एक करके एंटर प्रेस करके डालते हैं। क्या आपने कभी भी नंबर इस तरीके से इनपुट किए हैं? 11, 12, 13, 14, 15 और एक ही बार एंटर प्रेस किया हो और ये सारे नंबर्स अलग अलग लोकेशन पे चले जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे इनको ब्रेक करना है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स हैं। ठीक, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि नंबर को हमें अलग अलग ही रीड करना होता है। तो ये जो नंबर है ये पांच नंबर है, तो हमें कितने इनपुट चाहिए? पांच। तो इसका मतलब स्कैनफ कितनी बार रिपीट होगा? 5 times। तो इसलिए जब भी इंटीजर एरे को प्रोसेस करते हैं तो लूप चलाना जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो अगर मुझे इनपुट कराना है इंडिया, तो मैंने लिखा INDIA। तो क्या आप किसी भी कंट्री का नेम या आपका खुद का नेम इस तरीके से इनपुट कराओगे हर कैरेक्टर के बाद एक एंटर की? तो आप बोलेंगे नहीं, मैं इनपुट कराऊंगा ऐसे, इंडिया एक बार लिखा और एक ही बार एंटर। तो ये कितने इनपुट है? एक। और ऊपर जो लिखे वो कितने इनपुट है? पांच। तो जब हम पांच इनपुट प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं तो क्या लूप की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हम सिर्फ कितने इनपुट दे रहे हैं? एक। और ये एक इनपुट इंडिया हर कैरेक्टर को ऑटोमेटिकली अलग अलग लोकेशन पर स्टोर करवा देता है। ठीक है, तो अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इंटीजर के केस में तो रीडिंग के लिए हम लूप चलाते हैं, तो यहां तो मुझे ये लूप लिखना पड़ेगा फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये इंटीजर का लूप हो गया जिसमें स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ए ऑफ आई। ठीक, जबकि अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूंगा तो स्ट्रिंग के केस में क्या करूंगा? गेटिस एसटीआर या फिर स्कैनफ परसेंट एस एसटीआर। तो दोनों के दोनों लूप यूज नहीं कर रहे हैं और दोनों क्या करेंगे, जितने कैरेक्टर आप टाइप करोगे जैसे एंटर प्रेस करोगे तो वो हर कैरेक्टर को इंडिविजुअल इंडेक्स पे स्टोर करा देंगे अपने आप। ठीक, तो अब आपको ध्यान रखना है जब भी हम 1D एरे इंटीजर या फ्लोट यूज करेंगे तो लूप चलाना है, जब हम कैरेक्टर एरे यूज करेंगे तो लूप चलाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ये जो स्कैनफ का परसेंटेज है और गेटस है ये मैनेज कर देंगे। तो आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इंटीजर फ्लोट में लूप क्यों यूज करते हैं और स्ट्रिंग में लूप क्यों यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नल की, कि नल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप फिर से हम एक बार इन्हीं को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो यहां पर इंटीजर एरे है जिसका साइज 5, लूप कितनी बार चला? 5 बार। तो 5 इनपुट करना जरूरी है, जो यूजर है वो 5 इनपुट करेगा ही करेगा, तभी आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यहां पर साइज है 5। अब एक बार थोड़ा सा सोचिएगा, क्या हमने गेटस या स्कैनफ में कहीं मेंशन किया है कि आपको 5 कैरेक्टर ही इनपुट कराने? नहीं। ठीक है, अब सपोज आपको किसी का नाम रीड करना है और आपने साइज मेंशन कर दिया 50। ठीक, अब मेरे नाम में जैसे मेरा नाम है संजय तो उसमें 5 कैरेक्टर है, कंट्री की बात करें तो इंडिया में मेरे नाम में 6 कैरेक्टर है, अगर कंट्री की बात करें इंडिया तो उस इंडिया में कितने कैरेक्टर है? इंडिया में कितने कैरेक्टर हैं? 5। ठीक है, तो मेरे नाम में 6 कैरेक्टर हैं, इंडिया में 5 कैरेक्टर हैं, किसी और के नाम में 10 कैरेक्टर हो सकता है, किसी और के नाम में 15 कैरेक्टर हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आप मेंशन ही नहीं कर सकते कि आपको इतनी वैल्यू इनपुट करानी है। तो आपने फ्री फॉर्म दे दिया कि आप कितने भी कैरेक्टर एंटर कराओ, बट हमें कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेशन कहाँ हुआ, कि कितने कैरेक्टर आए? तो क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने अपना नाम इनपुट कराया संजय, तो SANJAY, वाई के बाद अपने आप क्या स्टोर हो जाएगा? नल। अगर मैंने इंडिया स्टोर कराया तो INDIA, ए के बाद अपने आप क्या स्टोर हो जाएगा? नल। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नल की इंपॉर्टेंस क्या है। नल बताता है कि कितने कैरेक्टर इनपुट हुए
ताकि हम जब प्रोसेस करेंगे कि हमें सपोज काउंट करना है कितने वॉवल है, कितने कॉन्सोनेंट है, या कितने अपर केस हैं, कितने लोअर केस हैं, या कितने स्पेसेस आए, ये चीजें अपन को परफॉर्म करनी है, तो क्या लूप 50 टाइम चलाओगे या जितने कैरेक्टर एक्चुअली इनपुट हुए उतने टाइम? तो आप बोलोगे जितने कैरेक्टर एक्चुअली इनपुट हुए उतने टाइम हमें लूप चलाना है, तो उसी लिए नल ऑटोमेटिकली हर स्ट्रिंग के एंड में स्टोर हो जाता है। तो अगर मैं अपनी पीपीटी पर चलूं, तो अगर मुझे अपना नाम स्टोर कराना है, नाम स्टोर कराना है, तो मेरा नाम इस तरीके से स्टोर होगा, यहाँ पे S, then A, then N, J, A, Y, ठीक है, ये छह कैरेक्टर स्टोर हो गए। अब इस पोजीशन पर अपने आप क्या स्टोर हो जाएगा? नल। तो जब भी मैं बोलूंगा कि नल स्ट्रिंग के एंड में अपने आप स्टोर होता है, तो स्ट्रिंग एंड कहाँ हो रही है? इस इंडेक्स पर, तो उसके जस्ट बाद वाले इंडेक्स पर नल अपने आप स्टोर हो जाएगा, और ये जो ब्लॉक्स हैं ये अनयूज्ड रह जाएंगे। अब हो सकता है कि किसी के नेम में तीन ही कैरेक्टर हो, किसी के नेम में तीन ही कैरेक्टर, जैसे राम स्टोर करना है तो राम इन तीन लोकेशन पर ही स्टोर हो जाएगा, तो नल कहाँ पे आ जाएगा? फोर्थ पोजिशन पर, तो बाकी अनयूज्ड रह जाएंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना इनपुट आया? तो हम किसको सर्च करेंगे? नल को, जहां नल मिला वहां पे स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इंटीजर और कैरेक्टर एरे में। इंटीजर में तो जितना एरे का साइज होता था उतना ही इनपुट कराते थे और उतने को ही प्रोसेस करना होता था, जबकि स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, साइज कुछ और है, इनपुट कुछ और आ रहा है, ठीक है, और हमें नल के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंटीजर में लूप चलता है, कैरेक्टर में नहीं, ठीक है, स्ट्रिंग में लूप नहीं चलाना, और वहां इंटीजर और फ्लोट में नल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जितना साइज है उतना इनपुट है, तो हमें पहले से मालूम है, हम प्रोग्रामिंग में उसको मेंटेन कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे या उसमें जब भी कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग आप डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें साइज हम मेंशन करते हैं, बट इनपुट कितना आएगा वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम नल की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना इनपुट यूजर ने प्रोवाइड किया। तो अब अगर स्लाइड को देखें, तो मैंने आपको डिक्लेरेशन बता दिया, मेमोरी लोकेशन बता दिया, इनिशियलाइजेशन बता दिया। अब एक बार रीडिंग प्रिंटिंग के थ्रू ये जो प्रोग्राम है इसको देख लेते हैं, फाइंड आउट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो जो चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है वो और अच्छे समझ में आ जाएगी। तो अब इसको तो इरेज करते हैं, और इसमें मैं आपको दोनों गेटेस और स्कैनफ का भी डिफरेंस बता दूंगा। तो ये मैंने डिक्लेयर किया एक कैरेक्टर एरे जिसका साइज है 20, देन एल वेरिएबल, एलियन वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 0, आई वेरिएबल, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट एफ बैकस्लैश एन एंटर नेम ऑफ कंट्री, ठीक। हम किसी भी कंट्री का नेम रीड करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि साइज 20 है और हर कंट्री के जो नेम होता है उसमें साइज कैरेक्टर 20 हो जरूरी नहीं है, और हमें यह भी नहीं पता कि यूजर क्या नेम इनपुट करेगा, बट हमें नेम इनपुट करने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि उस कंट्री नेम में इतने कैरेक्टर्स हैं, वो हम डिस्प्ले करा देंगे। तो मैंने लिखा स्कैनर परसेंट एस एंड एसटीआर, ठीक है, ये हो गया रीडिंग प्रोसेस, इतना सा, कोई लूप की जरूरत नहीं है, लूप चलाते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो आप लिखोगे str of i not equals to null and i plus plus। तो ये लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे स्ट्रिंग के हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं ये लूप यूज हो रहा होगा। तो str of i not equals to null, अगर स्ट्रिंग के इस पर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर नल नहीं है, इट मींस लूप चलेगा, जैसे ही नल मिलेगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और यहां लिख दिया लेंथ प्लस प्लस, लूप फिनिश होने के बाद प्रिंट करा दिया लेंथ इक्वल्स टू परसेंट डी एलियन। तो देखो हम लेंथ को प्रिंट करा रहे हैं परसेंट डी के थ्रू, आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग भी प्रिंट हो, आप चाहते हैं स्ट्रिंग भी प्रिंट हो जो हमने रीड करवाई है, तो वो भी कर सकते हो। तो लेंथ ऑफ परसेंट एस इज, और यहां डाल दिया एसटीआर। तो अभी मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए तीन फॉर्मेट है, प्रिंट एफ में परसेंट एस, या पुटस लिख दो, या ये लूप चला दो। तो हमने फर्स्ट वाला यूज किया है अभी। तो ये जो एसटीआर है वो इस पोजीशन पे प्रिंट हो जाएगा, और उसमें जो लेंथ है वो परसेंट डी से एलियन के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। तो अब एग्जीक्यूट कराकर देखते हैं।
तो सबसे पहले मैं अपनी कंट्री का नाम डाल रहा हूँ इंडिया. तो देखो लेंथ ऑफ इंडिया इज इक्वल्स टू 5. प्रॉपरली चला प्रोग्राम और हमने जो लूप कंट्रोल के लिए चलाया था वो नल तक चलाया था. इट मीन्स INDIA, ए के बाद नल मिला और वहीं पर लूप स्टॉप हो गया तो लेंथ की वैल्यू 5 ही रही. फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं. अब कोई छोटा सा नाम डालते हैं लाइक USA, तो लेंथ ऑफ USA इज 3. प्रोग्राम इज वर्किंग प्रॉपरली. तो इस तरीके से आपको रीडिंग प्रिंटिंग को कंट्रोल करना है. अब अगर यहाँ पर स्कैनफ की जगह लिख देता हूँ गेटस, तो आपको ये परसेंटेज बी लगाने की जरूरत नहीं है. तो ध्यान रखना है scanf int float char किसी को भी रीड करेगा. int float char string कुछ भी रीड करा सकते हो, बट getS सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है? स्ट्रिंग के लिए. तो अपन उसको भी यूज कर लेते हैं. ठीक है, अब मैं स्पेस भी इनपुट कराऊंगा. आप ध्यान दीजिएगा, मैं स्पेस भी इनपुट कराऊंगा और वो भी काउंट होगा, जैसे यू स्पेस एस स्पेस ए. तो देखो लेंथ ऑफ USA इज 5, तो USA 3 कैरेक्टर और उनके बीच में 2 बार स्पेस था, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 5. और ये रीड क्यों हो पाया? क्योंकि हमने क्या यूज किया हुआ है? getS. अब मैं getS को तो कर देता हूं कमेंट और मैं वापस लिख रहा हूं scanf. तो मैंने आपको बोला था कि scanf स्पेसेस को रीड नहीं कर सकता, तो वो चीज अब हम देखेंगे. तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूं. अब मैं इनपुट कर रहा हूं यू स्पेस एस स्पेस ए. तो देखो लेंथ ऑफ यू इज 1. इसने यू के बाद कुछ रीड ही नहीं किया क्योंकि वहां स्पेस आ गया. तो अगर आपको स्पेस भी रीड करना है तो आप गेटस को प्रेफर करो. अगर आपको स्पेसेस रीड नहीं करवाना है, विदाउट स्पेस आपको कुछ भी रीड करना है, तो आप स्कैनफ को यूज कर सकते हैं. और ये लूप आपको समझ में आ गया होगा. स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कराते हैं वो भी समझ में आ गया होगा. स्ट्रिंग को हम पुटस के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंटएफ में परसेंटएस यूज करके भी प्रिंट करा सकते हैं. तो कोई सा भी तरीका आप इजीली फॉलो कर सकते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, जो कहता है काउंट अपर केस लोअर केस डिजिट स्पेशल सिंबल्स स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग. तो अभी तो हमने टोटल कैरेक्टर काउंट किए थे, अब हमें उनको अलग अलग करना है कि अपर केस अलग काउंट हो, लोअर केस अलग काउंट हो, डिजिट्स अलग काउंट हो और स्पेशल सिंबल्स अलग से काउंट हो. ठीक है, काउंट कैरेक्टर्स, काउंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, यहां पर लिख देते हैं C1 equals to 0, C2 equals to 0, C3 equals to 0, C4 equals to 0. तो C1 अपर केस, C2 लोअर केस, C3 डिजिट एंड C4 स्पेशल सिंबल को काउंट करेगा. यहां पर मैं लिख रहा हूं एंटर अ स्ट्रिंग. ठीक है, अब हम यूज करेंगे getS. तो मोस्टली हम getS को यूज करते हैं क्योंकि हमें कभी भी स्पेस भी इनपुट कराना पड़ सकता है. और ये जो फॉर लूप है इसको प्रेफर करेंगे. फॉर लूप सेम होगा क्योंकि लूप कहाँ तक चलाना है? नल तक. जैसे ही नल मिलेगा लूप स्टॉप हो जाएगा, बट नल से पहले वाले सारे कैरेक्टर हमें प्रोसेस कराना है. अब अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा हो जिसमें मैंने आपको ASCII वैल्यू के बारे में बताया था, तो वहां पर हमने एक कैरेक्टर यूजर से इनपुट कराकर चेक किया था कि वो अपर केस है, लोअर केस है, डिजिट है, स्पेशल सिंबल है. तो अब हमें स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो लूप चलाकर वो चीज काउंट करनी है. तो यहाँ पर हम ASCII वैल्यूज को यूज करेंगे. तो इफ str ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 एंड str ऑफ i लेस देन इक्वल्स टू 90. तो जिन्होंने ASCII वैल्यूज का वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट के अंदर बिगिनिंग में आपको वो मिल जाएगा. तो उस वीडियो को जरूर से देखें ताकि आपको ASCII वैल्यूज का रेंज पता चल जाए. वैसे आपको मैं यहाँ पे भी रिवाइज करवा देता हूँ कि कैपिटल ए का ASCII वैल्यू 65 होता है और कैपिटल जेड का 90. तो कोई भी कैरेक्टर इन दोनों रेंज के बीच में है, इट मीन्स वो अपर केस है. तो हम C1 को प्लस प्लस करवा देते हैं. एल्स इफ str of i greater than equals to 97 and str of i less than equals to 122. तो C2 plus plus. तो ये लोअर केस का रेंज था. ये अगर आपने लोअर केस लेटर्स स्मॉल ABCD लिखा है तो 97 से 122 के बीच में उसके ASCII वैल्यूज होंगे. देन इफ str of i greater than equals to 48 and str of i less than equals to 57. ये है डिजिट्स 0 to 9.
वो काउंट हो जाएंगे, और अगर कुछ भी मैच नहीं होता है तो बचता है स्पेशल सिंबल, वो सी फोर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ अपना लूप कंप्लीट। अब हमें रिजल्ट्स प्रिंट कराना है, तो अब ये ASCII वैल्यूज की रेंज आपको पता चल गई होंगी, और ASCII वैल्यूज बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं ताकि कंपैरिजन कर पाए, जैसा अभी यहाँ पे कर पा रहे हैं। अगर ASCII वैल्यूज आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में डायरेक्टली कैपिटल ए कैपिटल जेड, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल जेड, यहाँ पर 0 और 9, बट ध्यान रखो सिंगल कोट्स में लिखना है। तो उससे होगा क्या, ये जो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट आपने डायरेक्टली लिखा है ये इंटरनली ASCII वैल्यू में कन्वर्ट होगा, तो आपको ASCII वैल्यूज भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर हमने यहाँ लिखा प्रिंट एफ अपर केस इक्वल्स टू परसेंट डी सी वन, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। तो ये चार बार हमने लिख दिया, ये हो जाएगा लोअर केस एंड इट इज फॉर डिजिट एंड देन स्पेशल सिंबल, ये सी टू सी थ्री सी फोर। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो गया, इसको सेव किया, एग्जीक्यूट किया। अब देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो स्पेस आप इनपुट करेंगे वो भी स्पेशल सिंबल होता है। तो अब मैं इनपुट कर रहा हूँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्पेस हैश टू स्पेस कैपिटल ए कैपिटल टी एंटर। देखो अपर केस टू, तो अपर केस में क्या क्या एंटर किया, कैपिटल ए कैपिटल टी, लोअर केस टू तो स्मॉल ए स्मॉल बी, डिजिट वन दैट इज टू, स्पेशल सिंबल थ्री, तो दो स्पेस है और एक हैश, तो हर चीज प्रॉपरली काउंट हो रही है। तो लोअर केस में काउंट हुआ, अपर केस में, डिजिट डिजिट में, और उसके अलावा जो भी बचता है वो सब स्पेशल सिंबल में काउंट हो। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक ही वेरिएबल में जो कि स्ट्रिंग है कैसे स्टोर करें, कैसे उसको रीड करवाएं और कैसे लूप चलाकर उसको प्रोसेस करें। और नल का यूज भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइज 20 था बट हमने 20 कैरेक्टर इनपुट नहीं करवाए थे, बट फिर भी हमने उसको कंट्रोल कर लिया लूप को, किसके थ्रू, नल के थ्रू। ठीक है, तो इंटीजर और फ्लोट में लूप रीडिंग प्रिंटिंग प्रोसेस सभी के लिए सेम टाइम चलता है जो आपका एरे का साइज था, बट ऐसा स्ट्रिंग में नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं काउंट स्पेसेस एंड वर्ड्स। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, हमें स्पेसेस और वर्ड्स काउंट करने हैं, तो इनको रिमूव कर देते हैं और मैं सिर्फ स्पेस काउंट करूंगा। और ये ध्यान रखिएगा कि मैं एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्या है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग आप इनपुट कराएंगे वो एक स्टैंडर्ड स्ट्रिंग होगा जिसमें हर वर्ड के बाद एक ही स्पेस होगा। तो अब पहले वर्ड को समझ लेते हैं बेसिकली होता क्या है। लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मेरा जो इनपुट है वो है सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अब इसमें कितने वर्ड है, पहला वर्ड है सी, दूसरा वर्ड है इज, तीसरा वर्ड है ए, चौथा वर्ड है प्रोग्रामिंग और पांचवा वर्ड है लैंग्वेज। तो वर्ड का पता कैसे चला कि जैसे ही एक स्पेस आता है तो एक वर्ड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम ये मान के चल रहे हैं कि आप हर वर्ड के बाद एक ही स्पेस प्रेस करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्पेस काउंट कर लेता हूं। तो एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस, तो जितने स्पेसेस होंगे उससे एक ज्यादा वर्ड होता है। तो अगर एक भी स्पेस नहीं है तो एटलीस्ट एक वर्ड तो हो गया होगा, जैसे एक भी स्पेस नहीं है तो एक वर्ड। तो हम स्पेस को काउंट कर लेते हैं और प्लस वन कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्ड्स आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, यहां मैंने लिखा इफ str ऑफ i डबल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में डाल दिया स्पेस और यहां लिख दिया स्पेस प्लस प्लस। तो ये लूप नल तक चलेगा और जिस जिस लोकेशन पर स्पेस अवेलेबल है उतनी ही बार स्पेस काउंट हो जाएगा और वो वैल्यू sp वेरिएबल में अवेलेबल होगी। तो अब हम दोनों को प्रिंट करा देते हैं, बैक स्लैश एन स्पेस इक्वल्स टू परसेंट डी, बैक स्लैश एन वर्ड्स इक्वल्स टू परसेंट डी, देन स्पेस कॉमा स्पेस प्लस वन।
अब इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो मैंने लिखा सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो 4 space 5 words, तो प्रोग्राम प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने स्पेस एक ही प्रोवाइड किया, अगर आप एक से ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ स्पेस की जगह आप 32 भी लिख सकते हैं, 32 स्पेस की ASCII वैल्यू होती है तो उसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वो लिखकर भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट आएगा, ठीक है, 4 space 5 words। तो इस तरीके से हमने एक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोग्राम कहता है प्रिंट ASCII कोड ऑफ ईच कैरेक्टर स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग। बहुत ही सिंपल है, तो इसको हटा देते हैं। ASCII वैल्यूज प्रिंट करानी है हर कैरेक्टर की, तो प्रिंटिंग लूप के अंदर होगी, क्योंकि जब हमें पूरे एरे पर कोई प्रोसेस अप्लाई करके उसको प्रिंट भी करना होता है तो प्रिंटिंग लूप के अंदर होती है। तो प्रिंट एफ परसेंट सी इक्वल्स टू परसेंट डी एस टी आर ऑफ आई कॉमा एस टी आर ऑफ आई, तो मैंने एस टी आर ऑफ आई को 2 बार प्रिंट किया, 1 बार परसेंट सी लगाकर और 1 बार परसेंट डी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में, जो कि पिछला वीडियो है, पिछला मतलब जो इनिशियल वीडियोस थे जहां पर हमने डेटा टाइप वगैरह के बारे में पढ़ा था और ASCII वैल्यूज के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कैरेक्टर को कैरेक्टर फॉर्म में प्रिंट करना है तो परसेंट सी लिखो, किसी भी कैरेक्टर को उसकी ASCII फॉर्म में प्रिंट करना है तो परसेंट डी लिखो। वेरिएबल का नाम सेम रहेगा तो वो कैरेक्टर फॉर्म में भी प्रिंट होगा और ASCII फॉर्म में भी प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं अपना नेम इनपुट करा रहा हूँ एस एन जे वाई, मैंने अपर केस डाले हैं, तो आप देख सकते हो एस का ASCII कोड 83, ए का 65, एन का 78, जे का 74, ए का 65 एंड वाई का 89। तो हर कैरेक्टर भी प्रिंट हुआ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका ASCII वैल्यू भी प्रिंट हुआ। तो एक और प्रोग्राम हमने सॉल्व किया, लास्ट है अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना, तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ फिर से हमें ASCII वैल्यू यूज करने पड़ेंगे, तो इफ एस टी आर ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 एंड एस टी आर ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू 90। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कैरेक्टर स्ट्रिंग में अवेलेबल है वो कौन सा है, अपर केस, उसको क्या बनाना है, लोअर केस। तो अपर केस को लोअर केस बनाने के लिए आपको कैरेक्टर में 32 ऐड करना होता है, तो ये भी हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो इस पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि हाँ ये चीज़ तो हम पहले से जानते हैं, तो वो इसको इजीली समझ जाएंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है या तो वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उसको वीडियो को देखें। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि अगर अपर केस का ASCII वैल्यू 65 है कैपिटल ए का और लोअर केस ए का ASCII वैल्यू 97 है, तो उनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो वो होगा 32। तो हमें 65 से कहाँ पहुंचना है, 97 पे, तो 32 ऐड कर दिया। बी की बात करें, कैपिटल बी होता है 66, स्मॉल बी होता है 98, तो उनका डिफरेंस भी 32 होता है, इसलिए हर कैरेक्टर में 32 ऐड करेंगे तो वो लोअर केस बन जाता। और अगर लोअर केस से आपको अपर केस बनाना है तो अब वो इजीली आप कर ही सकते हैं, उस केस में क्या करेंगे, माइनस एस टी आर ऑफ आई इक्वल्स टू एस टी आर ऑफ आई माइनस 32 और उसके बाद अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करा दो। तो अब हम पुटस यूज कर लेते हैं जिससे आपको वो भी पता चल जाए कैसे यूज किया जाता है, और पुटस में आपको अपनी स्ट्रिंग डालनी होती है बस, ठीक है। तो अब जो अपर केस डालोगे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लोअर केस डालोगे तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो अब मैं अपना नाम इनपुट कर रहा हूँ, देखो एस ए एन जे ए वाई, तो मैंने 3 अपर केस डाले, 3 लोअर केस। देखो जो एस था वो स्मॉल हो गया, ए था वो कैपिटल हो गया, एन था स्मॉल हो गया, जे कैपिटल हो गया, ए स्मॉल, वाई कैपिटल। तो जो अपर केस था वो लोअर केस बन गया, जो लोअर केस है वो अपर केस बन गया। तो हमेशा ध्यान रखो ASCII वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है रेंज चेक करने के लिए, और अपर केस लोअर केस कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यूज का डिफरेंस 32 होता है, तो प्लस माइनस करके आप वो प्रोग्राम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप कि आपको स्ट्रिंग का बेसिक और ये प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। अगला वीडियो जरूर से देखिएगा, उसमें हम स्ट्रिंग के और प्रोग्राम्स देखेंगे और स्ट्रिंग के जो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो यहाँ लिस्टेड हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली। तो
आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो सीरीज में जो वीडियोस मैंने बनाए वो समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट है, कमेंट आपको करना है, आप यूट्यूब में कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ईमेल व्हाट्सएप करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।